धर्म को मानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेना ये सही नहीं। आजकल धर्म के नाम पर लोग ठग जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग लुट जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग परेशान हो जाते हैं। धर्म ये थोड़ी कहता तुम परेशान हो। धर्म का ज्ञान जिसे है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अज्ञानी हैं इसलिए लोग आपके अज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं, आपको समझते नहीं। जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया, इसलिए सही ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरों के ज्ञान के बल पर जिंदगी ना चलती मेरी माँ, ना चलाया करो। दूसरों का ज्ञान नहीं, खुद का भी कुछ नॉलेज हो। जितनी बातें हमने कही हैं उन बातों को आंख बंद करके मत मानो, पहले अपना विवेक लगाओ कि जो हमने कहा है वो कितना सत्य है। सत्य है तो मान लो, यदि हमने कोई गलत कहा तो आप मत मानो उसे। अपना विवेक लगाना है हर जगह, अपनी बुद्धि लगानी है हर जगह। श्रद्धा के नाम पर ये नहीं कि किसी पर तुम विश्वास कर लो। कोई कहे कि चलो हमारे साथ जंगल में, तुम्हें भगवान मिलाएंगे। जंगल ले गया तुम्हें और तुम्हारे साथ कल को वो दुराचार करने लग जाए, जबरदस्ती करने लग जाए, तुम कहोगे अरे धर्म, फिर धर्म को बदनाम करोगे। धर्म थोड़ी उसने, आप क्यों गए उसके साथ, अकेले में क्यों गए उसके साथ, आपकी गलती है और बदनाम धर्म होगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनों जग में होते हंसाएं। जिसने जैसा कह दिया आपने वैसा कर लिया, इसलिए थोड़ा सा विचार करना सीखो। सही गलत की परख आपको होनी चाहिए। आपको पता नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसलिए दास कहता है आपसे कि आप जागो। भक्ति करना अच्छा है, भगवान से जुड़ना अच्छा है, धर्म को जानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पे पागलों की तरह अपने आप को लुटा देना, ठग जाना, बाद में रोना, ये अच्छा नहीं है। क्यों मेरी मां? धर्म हमें जागरूक बनाता है, धर्म हमें ज्ञानी बनाता है, धर्म हमें शिक्षित करता है। धर्म आपको अज्ञानी नहीं बनाता, अंधविश्वासी नहीं बनाता। पानी छान के पीना चाहिए और विश्वास जानकर करना चाहिए। पहले जान लो फिर मानो, जानो मत मानो मत। क्यों? भगवान जानने का विषय है कि मानने का? कई लोग कहते हैं कि भगवान को जानो मत मानो, ये बात अधूरी है साहब। भगवान को मानो परंतु जान कर मानो। भगवान को मानो पर जान कर मानो। अब आप कहेंगे भगवान को जानेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ना आपको। जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके संग कौन है, आप जान लेंगे। जानने की बात तो फिर सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाएंगे, पर फिर भी जानने की जिज्ञासा होगी जिसके अंदर, उसी को तो भगवान जनाएंगे। जिसको जिज्ञासा ही नहीं है उसे भी भगवान जनाएंगे क्यों भाई? उसे ही तो पढ़ाया जाएगा जो पढ़ने का इच्छुक होगा। स्कूल जो आएगा उसे पढ़ाया जाएगा, स्कूल नहीं आएगा उसे। तो जो जानने की इच्छा रखेगा उसे जनाया जाएगा। भाई आप लोग आए हैं तो जानने ही तो आए हैं भगवान के बारे में। आपके अंदर जानने की इच्छा है इसलिए आप बैठे हैं, और आपको यह दास सुना रहा है तो आप जान रहे हैं। आपकी इच्छा है इसलिए ना आए हैं। जानने की इच्छा ना होती तो क्यों आते हैं आप? तो जानने की इच्छा है। जब आपकी इच्छा है जानने की तो आप जान भी रहे हैं, ईश्वर जना भी रहे हैं। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है, बाहर घूम रहा है, वो क्या जानेगा? तो भगवान को मानो पर जान कर मानो। क्यों जी?
बिना जाने मानना मतलब आंखों में पट्टी बांध कर चलना। इसलिए भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जान पाएंगे आप। और जितना जानेंगे उतने आप डूबते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं भगवान को मानो, ना साहब, यदि आप जानते नहीं हैं भगवान को, केवल मानते हैं, तो आप लिखित में ले लो मेरे से, आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद जितना मानते हैं वो मानना भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप मानते हैं जानते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं इसे। एक मैया भगवान से बोली, हे भगवान, बहू के बेटा हो जाए, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं, बहू के बेटा ना हुआ बेटी हो गई। अरे भगवान, आपने तो हमारी सुनी नहीं, कोई भगवान अगवान नहीं है, बेटा मांगा था, इतना माना, इतनी पूजा की, पर बेटी हो गई, बेटा नहीं दिया भगवान ने, 4 बेटी पहले से खेल रही है, 5वीं हो गई। बड़ी मन्नत मांगी थी, बहुत मानते थे भगवान को, महाराज जी हम पहले बहुत मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते, अब कोई श्रद्धा नहीं है। ये कौन सी मैया है? ये वो मैया है जो बिना जाने भगवान को मानने लग गई, तो 1-2 साल के अंदर मानना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानी ही नहीं। अरे वो जान जाती तो ये समझ लेती कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलता है भगवान की भक्ति करने से, लोक परलोक संवरता है, बेटा बेटी तो आदमी अपने कर्मों से पाता है। जानती, मानती तो है, जानती नहीं है भगवान के बारे में कि भगवान चीज क्या है, इसलिए उसकी श्रद्धा 1-2 साल महीने 2 महीने में समाप्त हो गई। तो जो लोग सिर्फ मानते हैं उनकी श्रद्धा 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। पहले आप ज्यादा पूजा करते थे, अब कम करते हैं, क्योंकि आपने बिना जाने माना, इसलिए। कई लोग भी आपसे कहते हैं, नहीं जानने की क्या जरूरत है, मानो। ना जी, जरूरत जानने की भी, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसे जाने तो कि वो है कैसा। तो भगवान को पहले क्या करेंगे मेरी मां, जोर से, आप पहले यदि मान रहे हैं तो मानिए, पर मानते मानते जान लीजिए। भाई स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते टीचर लोग भी पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ पाए भाई, अब कर लो जो रह गई है, क्यों मेरी मां। उसी तरह आप चलो, नहीं जान पाए, मानने लगे तो मानते मानते ही जान लो भगवान को, पर जान लो, जान लोगे तो विश्वास हो जाएगा, फिर बेटा बेटी के होने ना होने से वो विश्वास टूटेगा नहीं। पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, महाराज पहले बहुत मानते थे अब नहीं मानते, ये वही लोग हैं, मानते तो थे जानते नहीं थे, जानते होते तो पति और पत्नी के मरने का वो सिद्धांत जान लेते कि ये तो ईश्वर की प्रकृति का नियम ही है, इसमें भगवान का क्या लेना देना है, इतने दिन तुम्हारे संग रहे, भगवत कृपा थी, है ना। ये मानते हैं, जानते नहीं, जानने वाला रोएगा नहीं। कई लोग, महाराज जी, एक बूढ़े आदमी हमसे आके बोले, महाराज भगवान की कृपा हम पर कब होगी। हमने कहा आप कितने साल के हो, बोले 85। हमने कहा चश्मा नहीं लगा, देख लेते हो, हाँ हाँ। हमने कहा हाथ में लाठी भी नहीं है, चल लेते हो, हाँ हाँ महाराज हम चल लेते हैं। हमने कहा कितनी रोटियां खा लेते हो, बोले 4 सुबह खा लेते हैं 4 शाम को। हमने कहा लो, आपकी उम्र के कितने लोग मर गए और आप इस उम्र में बिना लाठी के चल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी भगवान की, और रो रहे हो कि भगवान की कृपा कब होगी। अरे यही तो कृपा है, आप लोग कृपा को महसूस करते ही नहीं, हम क्या करें, क्यों ये कृपा नहीं है। बोलो मेरी मां, तुम्हारी उम्र के सब निपट गए हो, तुम स्वस्थ हो, ये कृपा नहीं है तुम पे भगवान की।
फिर भी गाना गा दो भगवान कृपा नहीं करते, और कौन सी कृपा करें। तो ये वो लोग हैं जो मानते हैं पर जोर से, इसलिए जानो भी और मानो भी। अब पहले क्या करना है वो आपकी स्वतंत्रता, के पहले जानना है कि पहले मानना है वो आप अपने हिसाब से। ये दास अनिरुद्ध, हम जितना ठाकुर जी ने हमें जनाया, जितना गुरु जी ने जनाया, मैं उतना जानता भी हूँ, ठाकुर जी की कृपा को मैं मानता हूँ, उन्हें जानता भी हूँ, उन्हें मानता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह सृष्टि ईश्वर के सारे पर चल रही है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपना कार्य करता हूँ, जानता हूँ, इसलिए निश्चित। आप बहुत सुखी हो जाएंगे उस दिन जिस दिन भगवान को कुछ जान लेंगे, है ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।